हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और जस्ट इमेजिन, आप अमिताभ के सामने हॉट सीट पे हो और कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल है, इनमें से क्या दाल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए उड़द दाल, ऑप्शन बी मसूर दाल, ऑप्शन सी दालचीनी और डी मूंग दाल। आपकी सुई ऑप्शन सी पे अटकी, राइट। लेकिन सेम सिचुएशन में KBC 9 के ये खिलाड़ी क्या बोले? लाइफ लाइन पर एक तरफ अमिताभ का है निकला तो दूसरी तरफ ये अजय नागर इज यंगर देन यू, डिड यू नो दैट? नहीं। 21 वर्ष की उम्र है उनकी। अच्छा। हाँ, और वो इतना कुछ कर रहे हैं। KBC में कैरी के नाम का क्या काम, ये फैक्ट भाई बताएगा। लेकिन KBC में एक कंटेस्टेंट ने वो कर दिखाया जो पिछले 15 साल में RCB की टीम नहीं कर पाई। जानना चाहते हो क्या? बता। जानने के लिए चलिए मिलते हैं KBC के उन महाज्ञानियों से जो हॉट सीट पे बिना कॉमन सेंस बैठे। और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज फैक्ट भाई भी आपके साथ KBC खेलेगा, जिसका जवाब आपको शॉर्ट आउट दिला सकता है। पोथीबाज करता हूं। और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार और शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बाकी सब तो ठीक है, पर ज्ञानदार और आप भी ये बोलोगे। पर उससे पहले ये बताओ कि क्या आप PUBG का फुल फॉर्म जानते हो? अरे वही मोबाइल गेम जिसे घंटों तक खेलते रहने से घर वाले आपके फोन में आग लग जाने की दुआ मांगते हैं। अब आपको यकीन हो ना हो, पर ये KBC का सवाल था जो विवेक भगत से पूछा गया। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन मोबाइल गेम PUBG या PUBG का फुल फॉर्म क्या है? पर ये ठहरे पक्के पोथीबाज। मम्मी पापा और टीचर के सामने क्या इन्होंने अकेले में भी PUBG का नाम नहीं लिया? और नतीजा हुआ ये कि ऐसे सवाल का जवाब जो शर्मा जी के पढ़ाकू बेटे के सबसे निटल्ले दोस्त का छोटा भाई भी दे सकता है, उसके लिए इन्हें ये करना पड़ा। लाइफलाइन ऑडियंस पोल। खैर, ऑडियंस का चुना हुआ ऑप्शन ए चुनकर ये 10,000 जीत गए। लेकिन एक मिनट, 23% जिन्होंने ऑप्शन डी चुना, ये कौन से गोला से थे भाई साहब? हर एक फ्रेंड कमीना होता है। KBC जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? दुनिया भर का ज्ञान? नहीं। उस पे 4 लाइफलाइन का वरदान? नहीं। आपको चाहिए सिर्फ एक सच्चा दोस्त जो समित शर्मा के पास था। तभी 9 सवालों के सही जवाब देने के बाद 10वें पे गाड़ी अटकते ही इन्होंने लाइफलाइन ली। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? अपनी जर्नलिस्ट दोस्त मुस्कान तिकवानी को फोन अ फ्रेंड करके इन्हें जवाब मिला, ऑप्शन ए या डी। आई एम रियली सॉरी बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स आइदर ए और डी। ओके। लेकिन भगवान का लाख शुक्र कि उनकी थिंकिंग पे समित ने अपनी थिंकिंग लगाई, क्योंकि जैसे ही इन्होंने 50-50 लिया, दो जो गलत विकल्प उनको मिटा दीजिए। पर समित ने अमिताभ को तब हैरान कर दिया जब एक सवाल पे 2 लाइफलाइन वेस्ट करने के बाद उन्होंने ऑप्शन सी काजोल की बजाय बी रवीना टंडन को चुना। गणपति बप्पा मोरिया रवीना टंडन कर दीजिए। अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा भी, श्योर है? लेकिन समित सल्लू से कम थोड़ी है, कमिटमेंट दे दी और हार कर सिर्फ 3,20,000 से सीधा 10,000 पे पहुँच गए। सर ये भी गलत जवाब है। इनका ये खेला देख के खुद अमिताभ जी ने समित को उनका फ्यूचर बतलाया। घर पे आज आपको बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली। ई साला कप नम दे। पिछले 15 साल 3 महीने और 30 दिनों से RCB एक ही नारा लगा रही है, ई साला कप नम दे। और इससे पहले कि वो कप उठाए, KBC की एक कंटेस्टेंट ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। ना, RCB फैन होने के नाते आपने एक भी गेम मिस नहीं किया, बल्कि गलती इस लड़की की है जिसने पूरे IPL को ही मिस कर डाला। दरअसल इनसे पूछा गया कि IPL की किस टीम ने अभी तक ट्रॉफी जीती है, तो बहन जी ने बिना घोड़े दौड़ाए उत्तर दिया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज तक कभी जीते ही नहीं। परफेक्ट भाई को ये नहीं समझ आता कि KBC जैसे शो जहां पार्टिसिपेंट को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचने के लिए 3 राउंड्स को क्लियर करना पड़ता है, वहां इस दीदी ने क्या किया होगा? अब ऐसा आंसर दोगे तो ट्विटर पे थोड़ा तो ट्रोल हो ही जाओगे। इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। अगर आपने किसी को कॉल लगाया हो और आपको भी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं सुनने में आया हो, तो अभी लाइक बटन दबाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अब आपने लाइक दबाया मतलब आप ये जानते हो कि फोन पे हर दूसरी कॉल के बाद अलग अलग भाषा में दीदी लाइन व्यस्त बताती हैं। लेकिन इनसे मिलिए, इन अंकल जी के चेहरे की मुस्कान देखकर कोई भी कहेगा कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आप कहाँ सुनते हैं? जैसा बचकाना सवाल सुनते ही
ये बिना ऑप्शन देखे ये बोले फोन पर ना। और सीट की गर्मी से इनके भेजे की लाइनें व्यस्त नहीं भ्रष्ट हो गई थी। तभी ए रेलवे स्टेशन, बी एयरपोर्ट, सी फोन और डी रेडियो का ऑप्शन सुनकर ये चौड़ में बोले ए सॉरी सर रेलवे स्टेशन और ओवर कॉन्फिडेंस में 1000 का क्वेश्चन हार बैठे। अब 7 करोड़ के सवाल का जवाब आता भी हो तो क्या, जब नैया पानी में उतारते ही डूब गई। तो कैसे हैं आप लोग आज 40 मिलियन सब्सक्राइबर की गिनती साथ लेकर चलने वाले कैरी मिनाडी ने कभी नहीं सोचा होगा कि केबीसी पे उनको लेकर सवाल आएगा, पर ऐसा हुआ। केबीसी सीजन 12 में 3,20,000 के लिए 24 साल के हार्दिक पाटिल से अमिताभ का 10वां सवाल था, किस यूट्यूब स्टार का वास्तविक नाम अजय नागर है। किस यूट्यूब स्टार का वास्तविक नाम अजय नागर है। अब ये सवाल सुनने के बाद आपकी तरह टीवी देखती जनता भी बिना ऑप्शन कैरी मिनाडी का नाम ले रही थी, पर हार्दिक इनका डब्बा गुल था। हालांकि अच्छी बात ये हुई कि ऑप्शन सुनकर भाई ने कैरी पे तुक्का लगाया और जीत गए। उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसे ही था नागर करके उनका एक। बोलिए क्या करना चाहेंगे सर। ए के साथ जाना चाहूंगा। बहरहाल जो भी हो सर, ये सही जवाब है आपका। और कैरी मिनाडी का नाम नेशनल टीवी पे आए और हंगामा ना हो, ऐसा कैसे, ये खुशखबरी खुद कैरी मिनाडी ने ट्विटर पे दी, लेकिन गलत जवाब के साथ, और उनके फॉलोअर्स ने रीट्वीट की लाइन लगा दी। लूट लिया मिलके दुनिया वालों ने। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। वे लोगों को ना इसका जवाब पता है और ना केबीसी 11 में सरबजीत को पूछे गए सवाल का जवाब पता था। तो भाई लोग कहानी है केबीसी 11 की, जहाँ सरबजीत के सामने एक बहुत टफ सवाल सामने आता है। इनमें से कौन से मुख्यमंत्री दून स्कूल देहरादून के पूर्व छात्र नहीं है। और जब ऑप्शन सामने आए तो सरबजीत ने क्वेश्चन आसान करने के लिए 50-50 का सहारा लिया, मगर फिर भी वो अपना सर खुजाते ही रह गए। अब कोई दूसरा विकल्प ना सूझने पर सरबजीत ने दूसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल को अभी इस्तेमाल कर लिया, जहां सबने जवाब तो दिया। आप एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। सर दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसके चलते सरबजीत 1,60,000 हार कर सिर्फ 10,000 लेके चले गए। मगर रुकिए, ऐसा किस्सा केबीसी में पहली बार नहीं हुआ है। सोचो आप एक्सपर्ट की राय लेने के लिए लाइफलाइन ले और उसके जवाब से आप जीतने की बजाय हार जाओ तो डीप है, थाला लगाया जाए। फिजिक्स फिजिक्स गलत हो गया। इसके बाद तो बेचारे कंटेस्टेंट भी कहते होंगे कि काश उनके वक्त भी डबल डिप और सुपर संदूक जैसे ऑप्शन होते जो अभी के केबीसी 15 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सवाल 1 जवाब 3। जिसके भाई का नाम लवकुश हो, जिसके घर का नाम रामायण हो और जिसका पूरा खानदान रामायण के पात्रों से जुड़ा हुआ हो, वो कैसे रामायण से पूछे गए सवाल पर गलत उत्तर दे सकता है। पर नहीं, जब केबीसी में एक आम कंटेस्टेंट के साथ सोनाक्षी को मदद के तौर पे बिठाया गया था तो हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे वाले सवाल पे वो सोनाक्षी कन्फ्यूज आ गयी। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इनफैक्ट वो सीता, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के ऑप्शन में से पहले उन्हें सीता सही लगा, सीता, फिर लक्ष्मण और फिर राम। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। आप शायद इन्हें बिग बी हराना नहीं चाहते थे तो उन्होंने आंसर लॉक करने से पहले 2 बार कंफर्म भी कर लिया। संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे और ये भी बताया कि उनकी एक लाइफलाइन बाकी है। एक ही लाइफलाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट। चाहे इसके बाद एक्सपर्ट ने इन्हें सही जवाब भी बता दिया था, मगर बिग बी और ट्रोलर्स ने सोनाक्षी को आसानी से जाने नहीं दिया। पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न। सौभाग्यवती भवा, मेहरबान कदरदान ज्ञानवान। अब आपको सौभाग्य प्राप्त होगा केबीसी कंटेस्टेंट डॉक्टर नूपुर श्रीवास्तव से मिलने का। सौभाग्य इसलिए क्योंकि ये केबीसी की डम्बेस्ट के साथ साथ लकीएस्ट कंटेस्टेंट भी थी। दरअसल हुआ ये था कि नूपुर का दूसरा सवाल था, इनमें से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स, ओपेरा, फेसबुक या क्रोम। और ऑप्शन सुनते ही नूपुर ने गहरी सांस लेके कहा फेसबुक या क्रोम होना चाहिए। फेसबुक या क्रोम में से कुछ होना चाहिए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। हाँ, आपकी तरह सबने इनके जवाब पे सर पीटा था, लेकिन हाथ तो इन्होंने ये कहकर पार कर दी। फेसबुक होना चाहिए, पर मैं लाइफलाइन ले लूंगी। वुमेन। बोले तो गली का बच्चा बता दे, ऐसे आसान सवाल के लिए ऑडियंस पोल को वेस्ट करके हाईएस्ट वोट सी को मिलने पर भी समय समाप्ति से 1 सेकंड पहले इन्होंने सी आंसर लॉक किया। क्विक आंसर, ओनली 5 सेकंड्स लेफ्ट।
पर ये जीत गए। इसके बावजूद इन्हें मोस्ट स्टूपिड कंटेस्टेंट का खिताब मिला है। पर फैक्ट भाई बता दे कि दूसरे सवाल पे डब्बा गुल होने के बाद नूपुर 11वें सवाल तक पहुंची थी, जिसे क्विट करके वो केबीसी से 25 लाख जीतने वाली दूसरी महिला बनी थी। दोस्त ना रहा। अक्सर कंफ्यूजन में आप क्या करते हो, अपने दोस्त या रिश्तेदार से सलाह मशवरा करते हो, राइट? लेकिन अगर वो खुद ही आपको गलत सलाह दे तो मेरे तो लग गए। वेल, ऐसा ही हाल केबीसी 3 के विकास के साथ हुआ था, जब शाहरुख ने उन्हें चक्रव्यूह जैसा एक सवाल पूछा, जिसके बाद एक लाइफलाइन यूज की गई। ये किस प्रकार का दोस्त है? कहता है पहले सिकंदर लोधी कंफर्म्ड है, फिर जानते जानते कहता है इब्राहिम लोधी। दोस्त के कंफ्यूजन के बाद वो खुद भी कंफ्यूज हो गए कि अब ए चुने कि सी। अब वही कंफ्यूजन में उन्हें ऑप्शन डी भी सही लगने लगा, तो अब वो सी और डी के बीच कंफ्यूज हो गए। इनफैक्ट शाहरुख के सामने भी वो इतने नर्वस हो गए कि एसआरके खुद भी इससे तंग हो गए। मैं नहीं खेडांगा। मगर डी कंफर्म करने के बावजूद विकास ऑप्शन सी सिकंदर लोधी को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन भाई लोग, मजा तो तब आता है जब आंसर बी निकलता है, जिसके बारे में विकास ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये आंसर रॉन्ग है। सही आंसर है डी, बहलोल लोधी। और भाई लोग, अब बारी है फैक्ट भाई के सवाल की, जहां सबसे क्रिएटिव आंसर देने पर फैक्ट भाई खुद आपको अगली वीडियो में शॉट आउट देगा। तो सवाल है, दयाबेन टप्पू के पापा को टप्पू के पैदा होने से पहले क्या बुलाती थी? जल्दी से कमेंट करिए और सुनिए आपका नाम अगली वीडियो में। इसके साथ अगर आप फैक्ट भाई की खबरें देखना चाहते हैं तो क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड बाय, जय हिंद।